हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न की सब्जी, जो बहुत ही हेल्दी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वीट कॉर्न की सब्जी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे कॉर्न बॉईल किए हुए, प्याज बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, टमाटर की पेस्ट, 10 से 15 काजू की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, जीरा, धनिया पत्ता, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेते हैं, और गरम होते ही हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गरम होने देंगे। अब ऑयल गरम हो चुकी है, तो अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए ऐसे फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ प्याज यूज़ किया है, बारीक काट कर। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप अब देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो हम इसमें अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद हमें इसे और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। तो अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ हल्दी भी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इन दोनों को भी कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे और इन सब के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से कच्चापन चला ना जाए। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और फिर इन सब के साथ मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ टमाटर का पेस्ट बनाकर यूज़ किया है। आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। टमाटर का पेस्ट बनाने से ये जल्दी पक जाती है। तो अब आप देख सकते हैं ये मसाले लगभग अच्छे से पक गए हैं, और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गई है। तो अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमें इसे भी 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। तो अब हम बॉईल किया हुआ कॉर्न भी ऐड करेंगे और इन सब के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न को मैंने प्रेशर कुकर में 2 सीटी में बॉईल किया था। तो अब कॉर्न जो है मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप अपने अनुसार पानी ले सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी की थिकनेस रखनी है आप उतना ही पानी लीजिए। तो अब ये मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे सबके साथ। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो अब 10 मिनट हो चुकी है, ये देखिए अच्छे से पक गई है। अब हम लास्ट में कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, साथ ही साथ धनिया पत्ता भी ऐड करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब गैस ऑफ कर लेते हैं।
तो ये हमारी स्वीट कॉर्न की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे चपाती, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे। टेक